टी20 वर्ल्ड कप से कबल पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी गो के अच्छी नहीं, लेकिन ग्रीन शर्ट्स मेगा इवेंट के सबसे ज़्यादा फाइनल और सेमीफाइनल खेलने वाली टीमों में शामिल हैं। ICC टी20 वर्ल्ड कप से कबल पाकिस्तान टीम PCB इंतजामिया और कप्तान की तब्दीलियों से गुजरी। मेगा इवेंट से कबल 5 माह में खेले गए 16 मैचेस में से सिर्फ 5 में ही फतेह हासिल कर पाई। तहम ग्रीन शर्ट्स टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेलने वाली 3 टीमों में से एक है। चीन का मिशन चांद 6 कामयाबी से चांद पर उतर गया। बीजिंग में रिसर्च सेंटर में खुशी की लहर दौड़ गई। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक चीन का मिशन चांद 6 बीजिंग के मुकाम पर वक्त के मुताबिक सुबह कामयाबी के साथ चांद पर उतर गया। मिशन की कामयाबी पर बीजिंग में रिसर्च सेंटर में खुशी की लहर दौड़ गई। चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने ऐलान किया कि चांद 6 प्रोब जनूबी कतब आइटकन बेसन में उतरा, जहां यह चांद की सतह से नमूने जमा करना शुरू कर देगा। लंदन ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई। तफसीलात के मुताबिक ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए बड़ी खुशखबरी ये है कि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अर्जेंट पासपोर्ट 7 रोज में जारी करने का हुक्म दे दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने लंदन में पासपोर्ट और नादरा सेंटर्स का दौरा किया। उन्होंने पासपोर्ट के अजरा में ताखिर का नोटिस लेते हुए ओवरसीज पाकिस्तानी की सहूलत के लिए अर्जेंट पासपोर्ट 7 रोज में जारी करने का हुक्म दिया। कराची CAA की बदतरीन कारकर्दगी के बायस यूरोपीय कमीशन ने PIA पर पाबंदी हटाने से इनकार कर दिया है। यूरोपीय यूनियन की जानिब से पाकिस्तान एयरलाइंस की बहाली का मामला धूल पकड़ गया। यूरोपीय यूनियन की 31 मई के इजलास में पाकिस्तान सिविल एविएशन से मुतल्लिक रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें CAA के दुरुस्त इकदाम ना करने पर यूरोपीय कमीशन ने PIA पर पाबंदी हटाने से इनकार किया।